हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स का, जो जेई मेंस 2024 में 8 अप्रैल को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल सा है, साधारण सा है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, बट इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या आती है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार आप इस क्वेश्चंस को रीड कर लो। डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच दिया हुआ है 14.79 किलो जूल पर मोल एट 1 bar एंड 100 degree टेम्परेचर पे, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस वेपराइजेशन अंडर द सेम कंडीशन, तो वाटर का दिया हुआ है, तो वाटर का वेपराइजेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? वाटर को अगर वेपराइज करते हैं तो क्या होता है? H2O लिक्विड से किस में जाता है? इक्विलिब्रियम होता है, किस में जाता है? गैसियस में जाता है, यही रिएक्शन होती है। तो इसी के लिए डेल्टा H की वैल्यू आपको दिया हुआ है 40.79, ठीक है। और इसी के लिए डेल्टा U की वैल्यू आपसे पूछ रहा है बस। तो डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन होता है? तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। पढ़े हो ये इक्वेशन, बहुत बार पढ़े होगे। डायरेक्टली देता तो हम लोग हर बार यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ था थोड़ा। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 40.79 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1, ये इधर कुछ नहीं है, लिक्विड को तो लेते नहीं, तो गैस को लेते हैं, तो 1 - 0 कितना आ जाएगा? 1। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.3। टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 100 degree। तो यहाँ पे आप 100 मत गलती से लिख देना, ये डिग्री दिया हुआ है, केल्विन में आपको रखना है। तो केल्विन में क्या होता है? 273 प्लस 100 कितना आ जाएगा? 373। तो यहाँ पे 100 गलती ना लिख रहा, क्या लिखोगे? 373। अब देखो, ये वाली वैल्यू किलो जूल में है, ये वाली वैल्यू जूल में आएगी। क्यों जूल में आएगी? क्योंकि आर की वैल्यू हमारा किस में है? जूल में है। डेल्टा एन मोल होता है, और ये जूल में है, और ये टेम्परेचर है, तो ये जूल में देगा, और ये जूल में चाहिए हमको, किलो जूल में चाहिए, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको देख लेना क्या होगा, 40.79 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आता है 3095.5 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो आप देखो क्या आंसर आएगा, 40.79 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये आ जाएगा इसको 3.09, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40.79 माइनस 3.09। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 37.70। और अप्रॉक्सीमेट में इंटीजर चाहिए हमको, नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 38। डेल्टा यू का जो आंसर आ जाएगा 38। तो इसका डेल्टा यू की जो वैल्यू आ जाएगी 38 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।